जे भी आइल बा उनके जाए के भाई ये तो सच्चाई है। मैं बड़ा अभागशाली इंसान हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। मेरे पिता बोलते थे कि बेटा हमके कुछ ना चाहिए, पवन के लड़का खिला ले तब हम चलियो जाए तो कोनो तकलीफ ना रहे। लेकिन मैं बदनसीब इंसान हूँ, बदनसीब बेटा हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, माई के सपना पूरा करब वो चाहे जैसे होके, हमार माई बगल में भी है। तू ऐसे दुखी हो तो फिर हम टूट जाए माई। मेरी माँ हंसेगी तो फिर कुछ भी आएगा। तू ऐसे कमजोर हो तो फिर हम तो ऐसे ही टूट जाए। हमार माई हंस दी तो फिर दुनिया का कोई भी किला तुम्हारा बेटा तोड़ देगा। और बाकी किसका मोबाइल है ये? आपका है। अच्छा आपका है तो मेरा ही है। अचानक हम लाइव आ गेल बनी, माफ करिए जा हमके, माफी हम आप ही लोग से मांगी ला। अब बाकी हम बहुत कुछ देख ली यहाँ आज के डेट में, आज के तारीख में, आज के दिन में कि मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बाप हो बाप। चलो हम दूसरे दिन बात करब, अभी ये मुद्दा पे हम बात नहीं करेंगे। बस आज मेरे लिए मुद्दा ये है, आज मेरे लिए खुशनसीबी ये है कि मेरा छोटा भाई भाला के बेटा ये है और खुशी से लाई ला दो दिन से लेके केक घूमा था। केक ये कल ही परसों कटने वाला था लेकिन ये फ्रिज में लेके सजाया था कि नहीं भैया के साथ ही काटेंगे। ये मेरा इसका नाम शायद हो गया है मेरा बैकबोन, मेरा छोटा भाई अमित, ये मेरा फेवरेट कैमरामैन, मेरा फेवरेट छोटा भाई महेश, ये मेरा भाई निशांत, ये मेरा लाडला साला लड्डू, तुम चुम्मा मत लो यार, ये मेरा फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, मेरा छोटा मेरे सबसे बड़े फेवरेट नहीं मेरे सबसे बड़े मेरे लिए अरे पगला पवन भैया बोलो फिर, पवन सिंह मत बोलना, सॉरी सर। और आज बहुत ही मतलब समझिए मैं इतना खुश हूँ ना कि मैं जीवन में इतना कभी खुश नहीं हो सकता। और ये देखिए रबिया को देखिए वो मेरा गाड़ी चलाता है, वो सोनू गाड़ी नहीं चलाता है, मेरा छोटा भाई है। और सबसे खुशी की बात ये है कि हम सब परिवार के साथ साथ, माई ना रही तो फिर दुनिया में कहाँ रही। मैं थोड़ा सा इस खुशी को स्पेशल कर रहा हूँ। कोई भी चीज समय से शोभा देता है ब्रदर, क्या है ना दुनिया में जे भी आइल बा उनके जाए के बा ये तो सच्चाई है। मैं बड़ा अभागशाली इंसान हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। मेरे पिता बोलते थे कि बेटा हमके कुछ ना चाहिए, पवन के लड़का खिला ले तब हम चलियो जाए तो कोनो तकलीफ ना रहे। लेकिन मैं बदनसीब इंसान हूँ, बदनसीब बेटा हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, माई के सपना पूरा करब वो चाहे जैसे होके, हमार माई बगल में भी है। तू ऐसे दुखी हो तो फिर हम टूट जाए माई। मेरी माँ हंसेगी तो फिर कुछ भी आएगा। तू ऐसे कमजोर हो तो फिर हम तो ऐसे ही टूट जाए। हमार माई हंस दी तो फिर दुनिया का कोई भी किला तुम्हारा बेटा तोड़ देगा। और बाकी हम ज्यादा बोली लेना, इंसान के लिए सारा काफी होता है। पुदीना की खुशी में लड़का हमारा काटता भाई हमारा, तो खुशी तनिक